टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां से शुरू होगा इस प्रतियोगिता का टफ एनकाउंटर मैचेस का सिलसिला। पहला मुकाबला एमसीसीपी वर्सेस शेनोबा स्पोर्ट्स के बीच खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं विकेटों के बीच में आकाश और राहुल, इस तरीके की जोड़ी। स्ट्राइक पर है आकाश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है राहुल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है रोहित ने। पावर प्ले पहली गेंद लेकर रोहित सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, तेज तर्रार गेंद करने का प्रयास, गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक रन के लिए दौड़ लगी। कामयाबी जरूर बल्लेबाजों के हिस्से आती हुई और इस एक रन के साथ आकाश ने आकाश की दीप जलाई, टीम के लिए एक रन जोड़ने में कामयाब रहे। अष्टविनायक ओला वर्सेस राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा, दोनों टीम के कैप्टन, आपको रेडी पोजीशन में रहना है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरी किया, पावरफुल किया, वंडरफुल किया एंड सक्सेसफुल चार रनों के लिए खूबसूरत चौका। शॉर्ट पिच गेंद करना यानी सुबह के वक्त मस्के पर ब्रेड लगा के, ब्रेड पर मस्का लगा के देने जैसा होगा, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। और इस चार रन के साथ बल्लेबाज ने आगाज किया राहुल ने और चार रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब। रोहित की अगर बात करें तो रोहित दो गेंदों में पांच रन इस वक्त खर्च कर चुके हैं और अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर करेंगे। नितिन पाटिल साहब की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि वैभव होयर आपके लिए अगर आप कैश लेते हैं तो। इस बीच ये गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकल गए थे, तालमेल थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आया। दो बार जीवन दान मिला दोनों ही बल्लेबाजों को, एक एक बार दोनों ही बल्लेबाजों को जीवन दान मिला। पहले मिडल स्टंप पर थ्रो करने की कोशिश की गई स्ट्राइक हैंड पर, वहां पर लाइफ जरूर मिली बल्लेबाज को, यानी बल्लेबाज आउट होते होते बचे राहुल। और आकाश की अगर बात करें फिर राहुल को यहां पर, आकाश और राहुल दोनों को जीवन दान मिला है। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या बात है। इस चार रन के साथ अच्छा आगाज किया है, अच्छी शुरुआत की है बल्लेबाजों ने। रनों की रन संख्या पे नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 10 रन। रोहित की अगर बात करें तो रोहित थोड़े से महंगे खिलाड़ी इस वक्त साबित होते हुए। पावर प्ले का बंधन जारी है, दो खिलाड़ी देखिए सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक लॉन और एक व्हाइटिश मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बीच ये गेंद, इस बार एक और करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते जाते रुक गई। चाहते तो दौड़कर ज्यादा रन ले सकते थे लेकिन यहां पर एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन। रोहित की एक गेंद अभी भी आना शेष, एक गेंद रोहित की अभी भी आना बाकी, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज राहुल। इसी बीच ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। और इस एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई शेनोबा स्पोर्ट्स की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ नजर आ रहा है 12 रन बिना कोई विकेट गवाए। अगला मैच राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा वर्सेस अष्टविनायक कोला, दोनों ही टीम के कैप्टन, आपको रेडी पोजिशन में रहना है, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। माननीय श्री अजय जी टांडेल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आना है, वेलकम, सुस्वागतम, आपका हार्दिक स्वागत। रमाकांत शिंगे सर, आपसे भी मैं विनती करूंगा कि सर हमारे स्टेज की शोभा बढ़ानी है।
जयेश भोई सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमादान शिंगे सर का यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए, सम्मान चिन्ह देकर शॉल देकर यहाँ पर रमाकांत शिंगे सर का स्वागत और सत्कार जरूर किया जा रहा है। सुशांत मुकादम बर्थडे ट्रॉफी 2018 मैं आपका हार्दिक सर स्वागत सर, आपने जो अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता के लिए दिया उसका आपका हम आपका आभार प्रकट करते हुए चलते हैं मैच की तरफ रुख करेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन विकेटों की अगर बात करें तो बिना कोई विकेट गवाए शेडोबा स्पोर्ट्स की टीम एक अच्छे फॉर्म में नजर आती हुई, लेकिन एमसीसी बी की अगर बात करें तो ये होम ग्राउंड है, ये इनका होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये देखने वाली बात जरूरी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अनुभव है, उन्हें ये चीजें पता है। इस बीच ये गेंद इस बार बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, एक रन जरूर पूरा किया गया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल क्रिकेट में तीन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, सबसे पहला तन, फिर उसके बाद मन और तीसरा धन, ये तीनों लगाकर खेलना पड़ता है। उसी तरीके से कीपर की अगर बात करें तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, चोट लगने के बावजूद भी अपनी टीम के लिए उनका एफर्ट कम नहीं, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, विष्णु जी शिंगे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कैलाश पाटिल सर आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए हमारे वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है। सुशांत मुकादम बर्थडे ट्रॉफी 2018 में आपका हार्दिक स्वागत, चलते हैं मैच की तरफ फिर से एक बार रुख करेंगे। एक अच्छा मुकाबला हम जरूर देख रहे हैं एमसीसी बी वर्सेज शेडोबा स्पोर्ट्स के बीच एक भिड़ंत जारी है। इसी बीच ये गेंद इस बार थोड़ी सी लो फुलटॉस गेंद थी, कारपेट के सारे खेला गया, स्ट्रोक गेंद आती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, दो रनों के लिए दौड़ लगाना चाहते थे और कामयाबी बल्लेबाजों के कदम चूमती हुई। इस दो रन के साथ स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ 16 रनों पर जा पहुंचा है और स्पेशली थैंक्स हम जरूर यहां पर करेंगे जिन्होंने हमें टी शर्ट स्पॉन्सर किया है, वैभव भोईर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता के लिए जो आपने टी शर्ट प्रदान किया, स्पेशल थैंक्स आपको। और ट्रॉफी स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल निखिल ठाकुर जी आपका भी स्पेशली थैंक्स कि आपने इस प्रतियोगिता के लिए जो ट्रॉफी प्रदान की उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे और हमारे स्पॉन्सर से भी आपको हम रूबरू कराएंगे, जरूर आपसे इंटरव्यू जरूर कराएंगे। इसी बीच ये गेंद इस बार थोड़ी सी लो फुलटॉस गेंद थी, खाली कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को दिशा दी, गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल सिंगल रनों से रनों की रन संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश, आगे बढ़ाने की मुहिम उनकी जारी है। बिल्कुल बहुत ही अनुभव से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए विष्णु जी शिंगे सर वेलकम सुस्वागतम, आप स्टेज पर उपस्थित हो चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और कैलाश जी पाटिल सर आपने भी उपस्थिति यहाँ पर दाखिल कराई उसके लिए हम आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद। अच्छी सूझबूझ के साथ चिन्मय ने ओवर की मात्र खर्च किए, इस ओवर में 7 रन, विकेट कोई नहीं लिया लेकिन रनों की रन संख्या जो पूरी तरीके से खुल चुकी थी उस रनों की संख्या को रोकने में एक अच्छी रोल इन्होंने प्ले किया, एक अच्छा लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की और अपनी टीम के लिए मात्र सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन खर्च किए। पावर प्ले का ओवर, बल्लेबाज ज्यादा बड़े हिट लगाने की कोशिश करते हैं, उस ओवर में सिर्फ 7 रन करना यानी महंगाई के जमाने में कम खर्चीला ओवर माना जाएगा। चिन्मय इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा कौन से गेंदबाज के हाथों में सौंपा जाएगा इसके लिए छोटी सी टीम मीटिंग जारी है, चर्चा कम करें क्योंकि चर्चा में समय ज्यादा खर्चा होता है और आपके पास 20 मिनट का समय है एक इनिंग की समाप्ति के लिए।
तो इसलिए आप पहले से चार गेंदबाज डिसाइड कर लें कि कौन से चार गेंदबाजों को आपको गेंदबाजी देनी है, नहीं तो फिर ग्राउंड के अंदर आपको समय नहीं दिया जाएगा। किरण ठंडरे, अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो 5,000 रुपए की इनाम राशि। ओहो, इनामी राशि सुनते साथ लाइन और लेंथ से थोड़ा सा भटकते हुए रमन सिंह साहब की तरफ से 1,000 की इनामी राशि अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो, और 3 वाइट हैट्रिक डालते हैं यानी 3 वाइट करते हैं कंटिन्यू तो भी 1,000 रुपए की इनामी राशि। इस बार बेहतरीन गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, वैभव वहां पर मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन। नितिन पाटिल साहब की तरफ से वैभव जी आपके लिए 500 रुपए की इनामी राशि है अगर आपने एक कैच पकड़ी तो। बिल्कुल इनामी राशि यहां पर लगना शुरू हो चुकी है। किरण की अगर बात करें तो एक बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छे परफॉर्मेंस के माध्यम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। इस बार ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन जरूर मिलता हुआ टॉट गेंद पे। अगली गेंद खेलने का तैयार फिर से एक बार किरण, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, लाइन और लेंथ पे नहीं मिल पा रही है सही तरीके से। इस बार लो फुटर्स गेंद थी, फुल पावरफुल वंडरफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन, क्या बात है, परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद पर मोहर लगी 6 रन। चलिए प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर आना है, हमारे अंपायर्स आपको दूसरा बॉल प्रदान कर देंगे, तो आप ग्राउंड के बाहर ना जाइएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्राउंड के अंदर ही उपस्थित रहें। हमारे वहां पर बॉल बॉयज हैं, 3 सिक्स लगातार अगर लगता है तो 1,000 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाएगी रमन सिंह साहब की ओर से। दोनों ही टीमों के लिए सुनहरी सदी है, दोनों ही प्लेयर्स के लिए अच्छा मौका है इसी बीच ये गेम। एक बार एक और बड़ा बिग 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 ब्लो सिक्स, व्हाट अ हिट, क्या बात है, हवाओं के साथ झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए निकलती हुई, व्हाट अ हिट, क्या बात है। 1 सिक्स और लगाते हैं तो 1,000 रुपए की इनामी राशि के हकदार। और किरण की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में सबसे महंगा ओवर आहिस्ते आहिस्ते दर्शाता हुआ ये ओवर। रुपेश गोयल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आना है स्टेज पर। रोहित मुकादम जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टेज की शोभा बढ़ानी है तो प्लीज आइए स्टेज पर। इसी बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा बिग हिट करने का प्रयास गेंद हवा में और ये हाथों से गेंद छटका और छूटा, थ्रो काफी खराब रहा लेकिन एक हाथ से कैच, इतनी हाई कैच एक हाथ से पकड़ना, ये 40 प्लस में हमने देखा था पहले मैच में कि टाकी साहब एक हाथों से गेंद को रोक रहे थे, उसी तरीके से ये खिलाड़ी व्हाइटिश मिड विकेट पर जो खड़े थे एक हाथ से रोकने की कोशिश है। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद शरीर पे डाली गई थी, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की तैयारी जारी थी लेकिन एक रन से ही संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ स्कोर 38 रन। अगर मैच का बॉल मिल चुका है तो प्लीज ग्राउंड के अंदर फेंक दें।
जो हमारे ऑडियंस बाहर देख रही है। स्कोर काफी महंगा ओवर, 19 रन खर्च किए किरण तंद्रे, इन्होंने काफी महंगा ओवर। इस ओवर में दो बड़े हिट जरूर देखने मिले बल्लेबाज आकाश की ओर से, तो सिक्स जड़कर शानदार बल्लेबाजी की। चलिए ताबड़तोड़ मैच शुरू करनी है, समय वेस्ट नहीं करना है। अंतिम और आखिरी ओवर, इस ओवर में कितने रन आएंगे ये देखने वाली बात है। स्कोर इस वक्त 38 रन, 38 रन हो चुके हैं तीन ओवर की समाप्ति के बाद। पहली ओवर में आए थे 12 रन, चिन्मय ने लाजवाब गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए। उसके बाद किरण काफी महंगे रहे, स्टार्टिंग में अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर कुछ रन ज्यादा ही आ गए उन्हें। और ये बल्लेबाज बेहतरीन हिट, बिग ब्लो, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, अंपायर का इशारा, 1 रन। कौशिक इस टीम के कप्तान है, टॉस के लिए नहीं भेजा गया था, कौशिक ने टॉस जीता था, अब मैच जिताने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर, क्योंकि अगर ये कम रन का ओवर करते हैं तो फिर एक फाइटिंग मैच जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड एमसीसी का होम ग्राउंड है, इसी विकेट पर प्रैक्टिस करते हैं और इसी विकेट पर ऑपोजिट टीम इन पर भारी पड़ती हुई। इस बीच ये गेंद, इस बार आगे बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप वाइड स्पिन विकेट बाउंड्री की तरफ, 6 रन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर, 45 रन्स, काफी विशाल का स्कोर परिवर्तित होता हुआ। गेंदे अभी भी 4 बाकी हैं और बल्लेबाज आकाश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, इस तरीके की बल्लेबाजी। इस बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, वाइड बॉल का इशारा। कुछ दहशत, कुछ तकलीफ जरूर है, क्योंकि बल्लेबाज अब पूरी तरीके से टच में आ चुके हैं। इस वक्त गेंद इन्हें फुटबॉल नजर आ रही है और जब प्रहार कर रहे हैं तो गेंद को पारंपार स्ट्रोक कर रहे हैं, इस तरीके की बल्लेबाजी आकाश द्वारा देखने मिली है। इस बार ये गेंद, इस बार ललचाती हुई गेंद थी, गति में परिवर्तन जरूर किया, 2 रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला, और ये रनआउट के रूप में विकेट का बतंग होता हुआ। पहला विकेट गिरा है अंतिम और आखिरी ओवर में शेंडोबा स्पोर्ट्स का, और वो विकेट जाहिर किया है, यानी बिल्कुल जाया किया है राहुल ने। राहुल को पता है आकाश काफी अच्छे फॉर्म में है, आकाश बड़े हिट लगा रहे हैं, उनके लिए अपना विकेट इन्होंने गंवाया। और लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर भावेश की, क्या फील्डिंग की उनकी, फील्डिंग के कारण, वैभव के कारण, बिल्कुल वैभव ने जो फील्डिंग की है उस कारण यहाँ पर एक विकेट मिला है। बिल्कुल फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, उनसे आस और उम्मीद है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं, इसलिए कैच के ऊपर भी उनके इनामी राशि रखी गई है, अगर वो कैच पकड़ते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर रखी गई है नितिन पाटिल साहब की तरफ से। इसी बीच ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, और आकाश की इनिंग की समाप्ति होती हुई। आकाश एक बार, आकाश के लिए जोरदार तालियां होनी जरूरी, कम गेंदों में शानदार पारी, 31 रन की पारी खेलकर पवेलियन के लौटता हुआ उभरता सितारा, 14 गेंदे 31 रन, जिसमें 3 सिक्स और 1 चौके की मदद से इन्होंने 31 रन मुकम्मल किए। नीलेश सामना करने के लिए तैयार। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल गेंद थी, और यहाँ पर
रनआउट के रूप में विकेट का बतंग होता है। अच्छी वापसी की है कौशिक ने, 6 रन जो लगा उसके बाद जो वापसी कराई है लाजवाब। इसलिए कहा जाता है कि बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, चोट खाने से आती है। एक 6 खाने के बाद क्या वापसी की है, लाजवाब वापसी। स्कोर थमा हुआ, स्कोर इस वक्त रुका हुआ 47 रनों पर। एक गेंद कौशिक की अभी भी आना शेष है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। सामना करने के लिए फिर से एक बार आकाश नीलेश तैयार। इसी बीच ये गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने का प्रयास, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद को खूबसूरत तरीके से फील्ड किया गया, 2 रनों के लिए दौड़ लगी और कामयाबी जरूर बल्लेबाजों को मिलती हुई। इसी के साथ 4 ओवरों का कोटा हुआ समाप्त। तो पहले बल्लेबाजी करती हुई शेडोवा स्पोर्ट्स ने बनाया है 49 रन और जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 50 रनों। नेक्स्ट मैच राजू स्पोर्ट्स कैप्टन कोलीवाड़ा, राजू स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, अष्ट विनायक ओला के कैप्टन आपको भी आना है टॉस के लिए। और यहां पर अब हम सम्मान करेंगे हमारे बीच विष्णु जी शिंगे साहब मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल यहाँ पर सम्मान चिन्ह देकर हमारे मुख्य अतिथि जो उपस्थित हैं उनका स्वागत और सत्कार किया जा रहा है।